गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मेरे पास क्रश की तरफ से आया है रिव्यू के लिए, CS40। तो ये जो प्रोडक्ट है अभी वैसे लॉन्च नहीं हुआ है, बट ये विद इन अ वीक लॉन्च होने वाला है। तो उससे पहले मेरे पास रिव्यू के लिए आता था एंड एक वीक हो गया ऐसे आए हुए। तो ये कार ऑडियो रिसीवर भी है, कार ऑडियो ट्रांसमीटर भी है। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास गाड़ी है जिसमें ऑक्स और यूएसबी है, इसमें देखिए क्लियरली बना है ऑक्स और यूएसबी, अगर आपकी गाड़ी में ऑक्स यूएसबी दोनों है तो आप उसे ब्लूटूथ एनेबल बना सकते हैं इसके थ्रू। तो इसमें क्या है कि आपको चार्ज पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप यूएसबी से कनेक्ट है तो बैटरी लेता रहेगा और ऑक्स के थ्रू डेटा अपना ऑडियो ट्रांसफर करता रहेगा। बाकी अगर आपकी घर में कोई टीवी है जिसमें ऑक्स और यूएसबी दोनों है बट उसमें ब्लूटूथ नहीं है और आप चाहते हो उसमें अपना होम थिएटर या अपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स कनेक्ट करना, तो उस केस में भी ये यूज हो सकता है क्योंकि एज अ बोथ ट्रांसमीटर, मतलब ये बाहर भेज भी सकता है ऑडियो और ये खुद ले भी सकता है, एज अ रिसीवर भी काम कर सकता है। बाकी ये एक साल की वारंटी के साथ आता है, ये मैं पहले आपको बॉक्स में दिखा दूं। और इसके कुछ फीचर्स हैं कि इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, स्टीरियो साउंड है, HD क्लैरिटी का माइक है विथ नॉइस सप्रेशन, मतलब नॉइस को कम करेगा, कैंसिल नहीं करेगा, और बेस बूस्टर है, मतलब थोड़ा सा बेस बढ़ा देगा ये। 3.5 mm का जैक है, वॉइस असिस्टेंट है और एक वन ऑडियो एंड वन ऑक्स केबल है एंड काफ़ी कंपेटेबल है। तो अगर मैं आपको अब डिवाइस दिखाऊं तो डिवाइस के अंदर आपको ये डिवाइस मिलेगा, एक मैनुअल मिलेगी। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको मैनुअल की जरूरत नहीं है, आप इसे साइड में रख सकते हैं। अब ये डिवाइस में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं वो दिखाते हैं, फिर कनेक्ट करेंगे, पूरे प्रोसेस देखेंगे। टीवी पे कनेक्ट करके नहीं दिखाऊंगा मैं, खाली गाड़ी गाड़ी में दिखा दूंगा आपको। अब यहाँ पे आपको मिलता है माइक जिससे कि आपकी आवाज जाएगी अगर आप किसी से फोन पे बात करते हैं। यहाँ पे आपको बेस बूस्टर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ट्रांसमीटर और रिसीवर, अगर TX पे है मतलब ट्रांसमिट कर रहा है, RX पे मतलब रिसीव कर रहा है, तो हम अगर गाड़ी में यूज करना तो ये RX मोड पे होना चाहिए और ये चेंज आप इस बटन से कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपका गाना, अगर गाना चल रहा है तो पॉज प्ले हो जाएगा, अगर आपकी कॉल आ रही है तो कॉल एक बार दबाओगे कॉल उठ जाएगी, दोबारा दबाएंगे तो कॉल कट जाएगी, और अगर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपकी जो कॉल है वो आपके फोन पे ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब किसी को सुनाई नहीं देगी, आपको फोन कान पे लगा के बात करनी पड़ेगी। बाकी अगर एंड पे है तो आपको एक ऑक्स मिल जाती है और यूएसबी मिल जाती है। अगर प्रोडक्ट की फॉर्म फैक्टर की बात करें तो काफी सही है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि टूट जाएगा ऐसे, अगर आप देखें मैं पूरा फोर्स लगाऊं, और वायर भी थोड़ी डिसेंट क्वालिटी की लग रही है। बाकी एक साल की वारंटी आपको मिली रही है अगर ये डिवाइस खराब होता है, मतलब एक लिमिटेड वारंटी ही मिलती है प्रोडक्ट के साथ, अगर टूट गया उन सबकी वारंटी तो कोई भी नहीं देता। बाकी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, इसे अगर आप प्रेस करेंगे एक बार तो आपका गाना चेंज होगा, नेक्स्ट हो जाएगा इससे प्रीवियस, इसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, इसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वॉल्यूम आपकी कम हो जाएगी। तो ये कुछ फीचर आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। अब हम इसे ऑक्स और यूएसबी से कनेक्ट करते हैं फटाफट से, और मैं फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑक्स है, ये यूएसबी है, तो आपको दोनों से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं इसे ऐसे हैंगिंग ही छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे देखिए रिसीविंग मोड में चालू हुआ है, मतलब ये अब रिसीव कर सकता है, तो इसे यहाँ पे आप छोड़ते हैं। अब आते हैं हम ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में जाते हैं, पेयर अ न्यू डिवाइस करते हैं। यहाँ पे क्रश CS40 के नाम से आना चाहिए, ये मैंने क्रश CS50 को सेलेक्ट किया। पेयर के आपको जो जो परमिशन देनी है वो आपके ऊपर है। ये देखिए यहाँ पे एक बीप साउंड हुई, मतलब ये कनेक्ट हो गया है यहाँ से। अब मैं इसमें एक बार NCS का सॉन्ग प्ले करता हूँ और फिर देखते हैं। अच्छा एक बार ना इसे ऐसे भी हम लॉन्ग प्रेस करके देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए मेरा गूगल असिस्टेंट चालू हो गया, तो अगर आपको सिरी या वो चालू करना है तो इसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपका गूगल असिस्टेंट चालू हो जाएगा। तो मतलब आपको हैंड्स फ्री हो जाएगा, फोन रख के छोड़ दीजिए और यहाँ से आप अपना प्ले कर सकते हैं। अब मैं एक बार NCS का सॉन्ग प्ले करता हूँ, यहाँ से मैंने वॉल्यूम फुल कर दिया, ये भी प्रेस करके रखता हूँ, यहाँ से भी फुल हो गई है। तो जब आप बेस बटन दबाते हैं तो यहाँ पे लाइट जलती है, फिर बेस मोड एनेबल हो जाता है और ये डिसेबल। तो इसे कनेक्ट करना और वो करना कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, मतलब सिंपल आप कनेक्ट कीजिए और रेडी टू यूज है। और जब भी आप गाड़ी में आएंगे और ब्लूटूथ आपका ऑन है, जैसी गाड़ी आप स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका ब्लूटूथ से पेयर हो जाएगा। काफी कॉम्पैक्ट है वैसे तो, मतलब इसे जैसे इसमें तो यहाँ पे जगह है यहाँ पे अंदर रखने की, तो यहाँ अंदर रख सकते हैं। बाकी वायर भी इतनी लंबी है कि आप चाहे तो कहीं भी फिक्स करके यहाँ पे इसे लगा सकते हैं। एंड आपको बॉक्स के अंदर ये भी मिलता है जिससे कि जिसे आप यूज कर सकते हैं आपका जो डिवाइस है उसे अपने पास प्लेस करने के लिए। तो इसमें क्या पीछे आपको स्टिकर मिलता है, स्टिकर को हटाइए, इसको पेस्ट कीजिए और ये दोनों अलग हो जाएंगे। एंड इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि जो डिवाइस है उसे होल्ड करके रख सकते हैं, तो जहां भी आपकी ड्राइविंग पोजिशन है,
यहाँ भी आपकी सीट है तो आप अपने डैशबोर्ड पे से चिपका सकते हैं, जिससे कि माइक से जो आवाज़ है सामने वाले को क्लियर जाए। अब मैं अपने फ़ोन पे एक कॉल करवाता हूँ और फिर देखता हूँ कि मुझे, अब देखिए जैसे मेरे फ़ोन पे कॉल आ रहा है, अब मैं ये बटन दबाऊंगा और भाई ये देखिए स्पीकर से आवाज़ आ रही है, हेलो ये देखिए, और अब मैं इसको दबाऊंगा तो ये कॉल कट जानी चाहिए, तो ये कॉल आपकी यहाँ पे डिसकनेक्ट भी हो गई है। तो ये कुछ फीचर है जो आपको देखने के मिलेंगे, बट अगर आप चाहें तो इसे निकाल के अपने घर भी ले सकते हैं। इसे इस बटन को दबाएंगे तो ये ट्रांसमीटर मोड में चला जाएगा, ये देखिए, और तब ये एज अ मतलब ऑडियो बाहर भेजने के काम आएगा। तो आप अपने मतलब आपके घर में जो भी होम थिएटर है, ब्लूटूथ स्पीकर है, उससे आप बाकी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके साथ में कुछ आपको वार्निंग्स भी दे देता हूँ कि अगर किसी गाड़ी में ऑक्स है और यूएसबी नहीं है, या यूएसबी ऑक्स नहीं है, तो ये आपके कोई भी काम का नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी मतलब साउंड क्वालिटी कैसी है, इसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है। देखिए पॉजिटिव तो ये है कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है और ये कुछ ज़्यादा प्राइस रेंज में भी नहीं आता, और ये आपका बोथ दोनों चीज़ों में काम आएगा कि आपके घर में भी काम आ गया, तो मल्टीपर्पज़ यूज़ है कि आपके घर में भी काम आ रहा है, आपकी गाड़ी में भी काम आ रहा है। गाड़ी में यूज़ है, गाड़ी में लगा लिए, घर में काम है, तो एक ही डिवाइस को आप दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। बाकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो ओके है, मतलब जो भी आप ऑक्स से सुन रहे हैं उससे थोड़ी 10-15% कमी कर लीजिए, उतनी साउंड इसकी हो जाएगी। तो मतलब साउंड के मामले में मतलब कुछ बढ़ा नहीं रही है, मतलब जो भी आपके नॉर्मल ऑक्स से ऑडियो आ रही होगी उससे 10% कमी है। बाकी बेस आप बढ़ा सकते हैं, बेस थोड़ा सा बढ़ जाता है एक्चुअल में जब आप बेस बूस्टर यूज करते हैं, और बाकी वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह का सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें ब्लूटूथ वर्जन 4.3 आता है, मतलब आवाज मेरी अच्छी कॉल पे जाती है और कॉल से वापस अच्छी आती है, तो वो कोई ऐसा नहीं होता कि एको वगैरह कुछ हो रहा, तो वो सब भी कुछ नहीं होता। एक साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाएगी इसके साथ, तो वो भी बढ़िया चीज है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस डिवाइस के साथ हैं। नेगेटिव सबसे बड़ा यही कि आपको इसमें ऑक्स यूएसबी दोनों ही चाहिए, मतलब वो इसका पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। जैसे आजकल की जो गाड़ी आ रही है उनमें आपको यूएसबी मिल जाता है बट ऑक्स नहीं मिलता है, बट जनरली ये वही लोग यूज करेंगे जो थोड़ा पुराना वाला म्यूजिक प्लेयर यूज कर रहे हैं जिनमें खाली ऑक्स और यूएसबी है, ब्लूटूथ नहीं है, तो ये उनके लिए बहुत यूजफुल है। और घर की टीवियों में भी, क्योंकि घर की टीवी इतनी जल्दी बदली नहीं जाती, तो उनके लिए भी काफी ये यूजफुल हो सकता है। बाकी आपको वारंटी रजिस्टर करने के लिए आपको मैनुअल में ही एक QR कोड मिल जाएगा, उसे स्कैन करेंगे तो ये आपका प्रोडक्ट आपका वारंटी के लिए रजिस्टर हो जाएगा। तो वो भी स्टेप जरूर कर लीजिए अगर आप ये खरीद रहे हैं। अब इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो ये क्योंकि अभी अभी लॉन्च हो रहा है, अभी लॉन्च हुआ भी नहीं है, जब ये लॉन्च होगा तो ये अराउंड 800 के अराउंड लॉन्च होगा, इंट्रोडक्टरी प्राइस में थोड़ा सस्ता ही होगा। और ये आपको अमेजॉन वगैरह पे देखने को मिल जाएगा, जहां भी ये सेल पे जा रहा होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड करते हैं क्रस्ट की वेबसाइट पे, तो आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। बाकी कुछ टाइम बाद जो है, जैसे एक महीना जब इस प्रोडक्ट को हो जाएगा, तो इसकी प्राइस बढ़ के 900-950 के अराउंड हो जाएगी, क्योंकि ये अभी खाली इंट्रोडक्टरी प्राइस है, तो इसमें इसलिए आपको सस्ता मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसे जाके लिंक से खरीद सकते हैं, और मेरा कूपन यूज करेंगे GoCrush की वेबसाइट पे, तो आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यही सब कुछ था जो मुझे आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको प्रोडक्ट लेना हो तो डिस्क्रिप्शन से लिंक, और आपको मेरा जो कूपन कोड है वो भी नीचे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद।